दोस्तों, मैं हरकेश आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रीजनिंग के टॉपिक में, एक मास्टर रीजनिंग की श्रृंखला में, सीरीज में, आज हम एक अगला नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? श्रृंखला यानी सीरीज। अब इस ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम में 10 से 8 से 10 क्वेश्चन 110% आते हैं, और कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, और नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए हम आज के इस टॉपिक को देखेंगे अच्छे से, और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है? तो देखो, इस रीजनिंग में हमारा पहला जो क्वेश्चन है, अब जो सीरीज है, सीरीज कहते किसको है, श्रृंखला को? सीरीज किसी समूह में स्थित, कोई समूह है जी, 17, 20, 23, 26, किसी समूह में स्थित एक विशेष नियम पर आधारित संख्याएं या अक्षर जो व्यवस्थित हैं, जो क्रम में हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सीरीज। जैसे पहला है हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे, और ये सीरीज कई टाइप से हो सकती है, जैसे जोड़ पर आधारित, घटा पर आधारित, गुणा पर आधारित, भाग पर, और मिक्स हो सकती है, जोड़ या घटा, घटा या गुणा, भाग या, ठीक है, भाग या गुणा, किसी पे भी हो सकती है, बस इसी टाइप से होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे, पहला क्वेश्चन है हमारा जैसे 17, 20, 23, 26, 29 आगे क्या आएगा, तो इसी सीरीज में देखेंगे। देखो जैसे 3+, 3+, 3+, 3+, तो आगे भी क्या होगा, ये किस पे आधारित है? जोड़ पे, और एक सीरीज बनती जा रही है, तो क्या होगा हमारा? 3+, तो जब 3+ करेंगे तो हमारा 29 और 3 32 हमारा आंसर होगा। अब देखो, ये तो हो गया हमारा जोड़। अब अगर हम करें दूसरा क्वेश्चन, अगर लें घटा पर, जैसे कोई नियम है जोड़ पर, एक आध और देख लेते हैं, 3, 6, 10 सीरीज में, 3, 6, 10, 15 क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क देखें आगे 28, तो देखते हैं इस सीरीज में ऑप्शन अगर लें हम, ऑप्शन नहीं लें तो ऐसे भी देखें, ऑप्शन ले लें तो ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है हमारा 18, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है 22। अगर हम देखें तो कौन सा सही होगा, तो देखो एक सीरीज में देखेंगे 3+, 4+, 5+, अब देखो, अब देखते हैं 3+, 4+, 5+, तो आगे 6+, अब 6+ करेंगे तो 15 और 6, 21, अब 21 में 7 करेंगे तो 21 और 7, 28, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब देखो, अब इसमें देखते हैं 18 -2, 13, 18 -2, 16, 13 -3, 16 -3, 13, 13 -4, 9 और 9 -5, तो देखेंगे देखो क्रम में सीरीज चल रही है, 2 माइनस किए, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 5 माइनस, 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हमारा आएगा 9, और से 4 गए 5 गए 4, ठीक है? अब यहाँ से देखते हैं क्या, 5 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, 40 से 80, तो क्या है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 2 नहीं करेंगे तो कितना, 160, तो 160 हमारा ऑप्शन है सही है, ठीक। देखो अगर किसी को आंसर देना है तो वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर देख सकते हैं। देखो अब 1000 से 200 कैसे आए, 1000 से 200 कैसे आए, तो हमने क्या किया, 5 से इसमें क्या दे दी, भाग, 5 से क्या दे दी इसमें, भाग, यानी 200 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1000 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 200, अब 200 को क्या करें, फिर 5 से भाग दे दें तो क्या आएगा, 40, अब 40 को 5 से भाग दे दें तो क्या आएगा, 5 से भाग देंगे तो 8 हमारा, तो हमारा 8 हो गया आंसर। देखो वही, बस देखते हैं कैसे, तो देखो
ऐसे चलते हैं, पहले इधर से देखते हैं तो कितने 18 कैसे आए भाग 4। अब 4 भाग तो ये 72 कैसे आए, यानी ऐसे देख लेते हैं 18 चौक 72, 72 पंजे 360, यानी इधर से चलेंगे तो गुणा, इधर से चलेंगे तो भाग, तो 5 से भाग, तो यहाँ किससे दे दें भाग 6 से, तो 6 से भाग देंगे इसमें तो 36 छक्का 216, 6 से भाग दी तो कितना 360, 6 से भाग दी तो 72, 4 से भाग दी तो 18। अब 18 में कितने से भाग दे देंगे 3 से, 3 से भाग देंगे तो 3 छिंग इसको, यानी 18 को 3 से भाग देंगे तो कितने आएंगे 6। तो हमारा आंसर है कितना 6। क्वेश्चन है हमारा 2, 5, 12, 27, 58 कॉमा ये सब 27, 58 आगे क्या आएगा, ऑप्शन ले लेते हैं हम, ऑप्शन ले लेते हैं 116, 118 बी ऑप्शन 118, सी ऑप्शन 121 और डी ऑप्शन 125, सी ऑप्शन 121 और डी ऑप्शन 125। आप देखो, देखते हैं कैसे, 2 से देखो, ये तो है 2 से कितने 5, तो क्या करें हम सीरीज देखें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने हो गए 4, अब 1 जोड़ें तो 2 से गुणा 1 प्लस 2 दूनी 4 और 1 5, अब 5 से करें 12 तो 5 दूनी और 2 प्लस 5 दूनी 10 और 2 12, अब 12 दूनी 24 प्लस 2 कितने हो गए, देखो 12 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है 5 दूनी 10 और 2 12, अब 12 दूनी 24 और एक सीरीज बन रही है 1 प्लस 2 प्लस तो कितने 3 प्लस, तो 12 दूनी 24 और 3 27, 27 दूनी 54 और 4 58, तो क्या करेंगे अब 58 के दूने और गुणा जोड़ 5, तो 58 दूनी कितने हो गए हमारे हो गए 116 और 116 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 121, तो 121 हमारा सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2, 3, 8, 27, 112 आगे क्या आएगा, और ऑप्शन ले लेते हैं, ए ऑप्शन है हमारा 565, 225, बी ऑप्शन 225, सी ऑप्शन है हमारा 333 और डी ऑप्शन है 448, डी ऑप्शन है 333 और डी ऑप्शन है 448। अब देखते हैं, बस क्या करेंगे गुणा 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, गुणा 2 प्लस 2, 3 दूनी 6 और 2 8, गुणा 3, 8 तीन 24 और 3 27, 27 चौक यानी 25 चौका 100, 27 चौक 108, 108 में कितने जोड़ेंगे 4 प्लस, तो 108 और 4 112, अब 112 पंजे और 5 प्लस 12 पंजे 60 यानी 560 और प्लस 5 तो 565, जब 565 हमारा ऑप्शन नंबर 565 ए सही। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला हमारा 5, 22,
5 22 107 क्वेश्चन मार्क 2657। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऑप्शन है हमारे 230 1627 230 1627 728 और 532। तो देखते हैं कैसे। अब देखो 5 से 22 हो रहा है, ठीक है, और 22 से 107 हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 5 × 2 5 × 4, ठीक है, 5 × 4 5 × 4 और प्लस 2, ठीक है, 5 × 4 + 2, या फिर ऐसे नहीं करें और 22। तो देखो एक बात और सीरीज से ध्यान रखेंगे, 5 × 5 तो 5 × 5 = 25 और कितना -3, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 22 और 22 × 5 22 × 5 = 110 और -3, देखो सीरीज बन रही है, ठीक है, यानी 5 × 5 = 25 - 3 तो 22 और 22 × 5 = 110 - 3 तो कितने 107। तो ऐसे ही कर देंगे, 107 × 5 कितने हो गए 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 50 और 3 = 53 यानी 535 और 535 ऑप्शन में है ऑप्शन, और 535 में से कितने घटाएंगे 3, तो 3 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे कितने 532 और 532 हमारा ऑप्शन में है, तो कौन सा सही हो जाएगा 532। ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 2 4 14 68, आगे क्या आएगा। अब देखते हैं, अब दो दो तो दो एकम दो, दो एकम दो कितने, दो एकम दो नहीं बनेगी बात, तो क्या करेंगे 2 × 2 2 × 4 - 2 तो 2 × 4 - 2 कितने 2, अब 2 × 4 तो क्या करेंगे 2 × 3 = 6, अब 2 × 3 = 6 - 2 ठीक है, यानी 2 × 3 = 3, अब 4 × 3 = 12 तो कितने हो जाएंगे, यानी नहीं देखो 2 × 4 - 2 2 × 3 = 6 - 2 तो 4 × 16 - 2 ठीक है, तो कितने 14 और 14 × 5 = 70 14 × 5 = 70 - 2 = 68 तो 68 कितने 6 छक्का और -2 तो 68 छक्का कितने हुए, तो 68 छक्का हो गए 6 8 6 6 6 8 48 6 6 36 और 4 40 यानी 408 408 में से कितने घटाएंगे 2, तो 408 में से 4 घटाएंगे तो 406 और 406 हमारा ऑप्शन में है तैयार, तो कौन सा हो गया आंसर 406, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 3 5 13 यानी 3 5 13 49 41 1200 बी ऑप्शन 1441 सी ऑप्शन 4411 डी ऑप्शन 1446 तो क्या देखेंगे। अब देखो यहाँ से देखते हैं 3 से 5 कैसे हो रहा है, तो देखो 3 × 2 अब देखो 2 के पास में 3 × 2 से गुणा, तो 3 × 2 = 6 6 अब -1 3 × 2 = -1 कितने 5। अब देखते हैं 5 से 13 तो 5 × 3 = 15 अब 15 - 2 ठीक है, तो कितने आए 13 अब 13 × अब देखो 2 से गुणा 3 से गुणा तो कितने से 13 × 4 13 × 4 = 52 1 - 2 - तो कितने माइनस तो 3 13 × 4 = 52 और 3 गए 52 में से 49 और 49 × 5 और -5 तो 49 × 5 कितने 5 × 45 और 5 × 4 = 20 कितने 200 5 × 45 यानी -4
पहले में एक माइनस, दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस, तो चार 245 में से चार गए 241। अब 241 देखो क्या, दो से तीन से चार से गुणा, पाँच से, तो कितने से गुणा, छः से। अब एक दो तीन चार तो कितने, पाँच माइनस, तो छः एकम छः कितने होंगे, 241 छक्का छः एकम छः, और छः चौक 24 के चार, और छः दूनी 12 और दो 14, तो 1446। अब 1446 में से क्या करना है, माइनस के 5 घटाने, तो कितने बचेंगे, 1441। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1441 भी सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा, 1236। 1236 1854 27 आगे क्या आएगा, तो देखो अब यहाँ से देखते हैं, तो क्या है ये, देखो पहले बहुत जल्दी से क्या देखेंगे, जोड़ गुणा घटा भाग, तीनों में से जो चीज़ दिखाई दे जल्दी से देखो, 12 से 36 दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है ये, पहले तो गुने में देखेंगे आराम से, तो तीन गुने, तो भाग मतलब गुणा तीन, तो 12 की तीन से गुणा करेंगे, तो 12 तिया 36। अब 36 से दिखाई दे रहे हैं क्या, आधे लगभग 18, तो भाग दो, बात आई समझने, यानी गुणे तीन भाग दो। अब ये भी क्या दिखाई दे रहे हैं, 18 तिया 54 गुणे तीन और 27 यानी भाग दो। अब क्या करेंगे, जब देखो सीरीज चल रही है, तीन गुणा में दो भाग, तीन से गुणा भाग दो, तीन से गुणा भाग दो, तो क्या होगा, तीन से गुणा, तो 27 तिया 81, और 81 हमारा ऑप्शन में है पहले ही ए ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा 81। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 49 64 क्वेश्चन मार्क 100 और 121। अब देखो ये सब क्या है, 7 का वर्ग 8 का वर्ग, ये क्या वर्गों पर श्रृंखला, हमारी वर्गों पर आधारित भी होती है, घनों पर आधारित भी होती है, तो देखो तो 49 64 क्वेश्चन मार्क 100 121, तो देखो किधर से भी देख लें, ये क्या है 7 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, और ये 10 का वर्ग, ये 11 का वर्ग, तो क्या है 7 8, तो ये क्या होगा 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग हमारा 81, तो यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा हमारा 81। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 8 1 8 27 64 125 क्वेश्चन मार्क और 343, तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, अब देखो क्या आएगा, अब देखते हैं 1 8 यानी 1 से 8 कैसे हो रहा है, तो देखो यही देख लेते हैं यहाँ पहले, देखो अब पहले वर्गमूल, देखो इस चैप्टर को करने के लिए हमें वर्गमूल और घनमूल भी याद होने चाहिए, और कहाँ तक, 20 तक घनमूल और 40 तक वर्गमूल, तो देखो ये 1 का घनमूल, 1 की 3 2 का घनमूल, 2 की 3 3 का घनमूल है, ये 4 का घनमूल है, और ये 5 का घनमूल है, तो देखो क्रम में चल रहा है, 1 का घनमूल 1, 2 का घनमूल 8, 3 का घनमूल 27, 4 का 64 और 5 का 125, तो कितने का आएगा 6 का घनमूल, तो 6 का घनमूल क्या होता है, 6 6 36 और 36 6 216, और 216 हमारे पहले ही ऑप्शन में है, 6 6 36 36 6 216, तो आंसर हो गया हमारा कौन सा 216। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 534 543 559 584 620, और आगे क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, अब ये गुणा पर तो आधारित है नहीं, तो क्या है गुणा पर आधारित नहीं है, तो हम देखेंगे सबसे पहले इनमें अंतर कितना है, तो देखो 534 और 543 में कितना अंतर है, तो 534 6 और 3 9 का, तो 6 और 3 9 का अंतर। अब इसमें क्या अंतर है, 543 और 559 में 9 और 7
यानी 543 16 के अंतर, 16 का अंतर, अब इसमें देखते हैं कितने का अंतर है, 59 और 84, 59 और 84 में है कितने का, कितने का 34, 34 में से एक गया, कितने का 35 का अंतर, नहीं 25 का अंतर, इसमें कितने का 25 का, और इसमें कितने का अंतर है 20 और 16 36 का। तो देखो एक हमें संख्या दिखाई दे रही है क्या, 2 का 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो अगला कौन सा आएगा हमारा, 7 का वर्ग प्लस, यानी 7 का वर्ग क्या, देखो 2 का 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग, तो कितने 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 49, तो 49 जोड़ेंगे इसमें, तो 9 4 और 2 6 और 6, तो कितना 669, ऑप्शन नंबर सी सही। अब देखते हैं ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 8 16 43, आगे क्या आएगा, तो देखो अब यहीं देखते हैं, सबसे पहले कितने का अंतर 1 प्लस है, कितना अंतर 16 प्लस है, इसको ही देखते हैं पहले, फिर कितना प्लस है 43 में, तो 16 घटाएंगे 43 में से, तो कितने बचेंगे 3 13 में से 6 गए 7, तो कितने प्लस 7 और 2 27 प्लस, और आगे क्या आएगा, तो देखो ऐसे ही देख लेते हैं, ये किसका 1 का 8 प्लस है 8 प्लस, 1 का घन, और ये क्या है 8, 2 का घन, ये क्या है 3 का घन, तो आगे क्या कर देंगे इसमें 4 का घन, तो 4 का घन क्या हो जाएगा हमारा, 4 का घन हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौका 64, तो 64 प्लस करेंगे तो 4 और 3 7, 6 और 4 10, तो कितना 107, 107 हमारा, 77 49, 36 18 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है हमारे 10 12 8 16, तो देखो अब देखते हैं क्या 77 से 49, अब 77 से 49 कैसे हुए, तो देखो हम पहले तो देखते हैं घटा के, अब 77 में से क्या घटाएं 49 हो जाएं, तो 77 में से हम 28 घटा दें तो कितने हो जाएंगे 49, और 49 में से कितने घटा देंगे 36 हो जाएं, तो 49 में से अगर 13 घटा दें तो कितने हो जाएं 36, तो ये घटा पर आधारित कोई चीज़ बन नहीं रही सही से। तो देखो अब यहाँ एक संख्या दिखाई दे रही है, अगर हम इन दोनों नंबरों की यानी 7 इनकी आपस में गुणा कर लें, 7 और 7 यानी 7 7 49, तो 49 आ गए। अब ऐसे ही हम इन दोनों की गुणा कर लें आपस में, तो 4 9 36 आ गए, ठीक है। अब देखो अब यहीं से सीरीज बनती जा रही है, 7 7 49 यानी 7 गुणा 7, 4 गुणा 9, 9 चौक 36, अब ऐसे ही करें 3 गुणा 6, तो 6 3 18, अब ऐसे ये कर लें तो 1 गुणा 8, तो 8 एकम 8, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 3 15 3 के बाद 15 15 5 35 7 63, आगे क्या आएगा। अब देखो वैसे सीरीज देखें तो यहाँ से देखें, अब देखो बहुत ही सिंपल से देखें, अगर ऑप्शन भी है तो 3 5 7 और आगे क्या आएगा, तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, 2 2 प्लस और 2 9, अब देखो ये 2 2 प्लस कर लें तब भी सीरीज हमारी बन जाएगी, 2 प्लस करेंगे तो 9, और देखो एक चीज़ और सेटिस्फाई हो रही है क्या, 3 गुणा 5 यानी इन दोनों की गुणा करें तो 5 3 15 बीच वाली संख्या आ गई, अब 5 गुणा 7 गुणा करें आपस में तो 35 आ गए, अब 7 की गुणा किससे करें, तो 7 की गुणा हम 9 से करें तो कितने आएंगे 9 7 63, तो हमारा आंसर कौन सा 9। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 4 12 24 72 144, आगे क्या आएगा,
अब देखो क्या है आगे, दो दूनी चार होते हैं, ठीक है, और चार तीये बारह होते हैं, बारह दूनी चौबीस होते हैं, और चौबीस तीया बहत्तर होते हैं, बहत्तर दूनी एक सौ चवालीस होते हैं। अब देखो यहीं से देखें क्रम, दो गुणा तीन यानी दो से गुणा तीन से गुणा, दो से गुणा तीन से गुणा यानी दो से गुणा तीन से गुणा, दो से गुणा तीन से गुणा, दो से गुणा अब कितने से तीन से गुणा, तो तीन से गुणा करेंगे चार तिया बारह, चार तिया बारह और एक तेरह, चार तीन एकम तीन और एक चार, तो आंसर आएगा हमारा 432 डी ऑप्शन। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है 02 3 0 2 3 5 8 10 15 27 24 26 02 3 5 8 10 15 27 24 26। अब देखो क्या है, यहाँ से देखते हैं, दो नहीं बन रहा है तो देखो अब एक छोड़ छोड़ के अभी होता है। अब देखो यहाँ देखें, दो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस, सीरीज बन रही है कहीं ढंग से, फिर दो प्लस फिर पाँच प्लस, नहीं बन रही, तो देखो इसको मिटाते हैं। तो एक बार और कैसे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, अब एक बार एक एक को छोड़ के देख लेते हैं, अगर सीरीज बनती है सही से तो बस ऐसे कर देंगे, ठीक है, एक एक बार छोड़ के, अब इसको इसके साथ एक एक बार छोड़ के, ठीक है। तो देखो जीरो से तीन हो रहे हैं तो तीन प्लस, जीरो से तीन हो रहे हैं तो तीन प्लस, फिर तीन से कितने हो रहे हैं आठ, तो कितने प्लस पाँच, अब आठ से पंद्रह हो रहे हैं तो कितने प्लस सात प्लस सा, और सत्रह पंद्रह से चौबीस हो रहे हैं तो कितने पाँच सात नौ प्लस, चौबीस से कितने हो रहे हैं, अब देखो अब ऐसे ही नीचे देखते हैं, दो से कितने हो रहे हैं पाँच तो तीन प्लस, पाँच से कितने हो रहे हैं दस तो पाँच प्लस, दस से कितने हो रहे हैं सत्रह तो सात प्लस, सत्रह से कितने हो रहे हैं छब्बीस तो नौ प्लस, कितने नौ प्लस, अब ऐसे ही देखेंगे कितने नौ प्लस हो रहे हैं। अब देखते हैं तीन पाँच सात यानी तीन पाँच सात नौ, अब नौ के बाद क्या आएंगे ग्यारह, अब ग्यारह प्लस करें कितने में चौबीस में, अगर ग्यारह प्लस करेंगे तो कितने आएंगे चौबीस और ग्यारह पैंतीस, तो पैंतीस हमारा ऑप्शन है डी, तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो छः चार आठ तेरह सोलह बत्तीस अठारह और बत्तीस, तो देखो अब यहीं से देखेंगे ये दो के गुणज में ये चल रही है सीरीज बहुत जल्दी से, तो क्या हो रही है दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बस अब ऐसे ही इसे देखेंगे ये किस क्या हो रहा है नौ और छः से नौ तो तीन प्लस, नौ से तेरह तो कितने चार प्लस, नौ और चार तेरह, अब तेरह से कितने हो रहे हैं अठारह तो पाँच प्लस, यानी तीन चार पाँच तो कितने कर देंगे हम भी कर देंगे छः प्लस, तो अठारह और छः कितने हो जाते हैं हमारे चौबीस, तो चौबीस आंसर सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगर ये सीरीज़ हमारी इस पार्ट में यहीं तक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद।